हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में मैं 4 जून के एक इंटरफेस डिस्कस करूंगा, तो चलिए देखते हैं। एलिफेंटा फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो जो एलिफेंटा फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, ये अभी कहाँ पर मनाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मुंबई। नैयब बुकेले वाज स्वॉन इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो नैयब बुकेले को किस कंट्री का प्रेजिडेंट अभी बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, एल सेल्वाडोर। और देखिए, जो एल सेल्वाडोर की कैपिटल है उसका नाम क्या है? सैन सेल्वाडोर। और वहाँ की करेंसी क्या है? US डॉलर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन 2 जून। तो कौन सी स्टेट है जो अपना स्थापना दिवस मनाती है 2 जून को? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो देखिए, तेलंगाना है ये 2014 में अलग होकर बनी थी आंध्र प्रदेश से। तो अभी इसको 5 साल पूरे हो गए हैं। और जो इसके इसकी कैपिटल है वो क्या है? हैदराबाद। और इसके सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा। हु बिकेम द यंगेस्ट एमपी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की यंगेस्ट एमपी अभी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है चंद्रानी मुर्मू। ये 25 साल की हैं। और देखो, जो इनसे पहले थे जो यंगेस्ट एमपी, वो कौन थे? वो थे दुष्यंत चौटाला। और देखिए, चंद्रानी मुर्मू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है? वो है केंदुझार, उड़ीसा। हाउ मैनी इंडियन ओरिजिन किट्स वन द 92nd स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट। तो इंडियन ओरिजिन के कितने बच्चों ने अभी 92nd स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6। तो देखिए, इसमें टोटल 8 विनर्स थे, उनमें से 6 इंडियन ओरिजिन के थे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द पेरेंटल इनकम लिमिट फ्रॉम ₹1 lakh टू ₹2 lakhs अंडर द फी वेवर स्कॉलरशिप स्कीम। तो कौन सी स्टेट ने जो पेरेंटल इनकम पे लिमिट थी 1 लाख की, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया है? इसके तहत जो इनकी फी वेवर स्कीम है स्कॉलरशिप के लिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, असम। तो देखिए, असम की कैपिटल है गुवाहाटी। और वहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वन द चैम्पियंस लीग फॉर द 6th time। तो चैम्पियंस लीग अभी 6th time किसने जीत ली है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, लिवरपूल। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज एज द सदर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर इट्स स्टेटस वॉज अपग्रेडेड टू सिटी कैटेगरी। तो इनमें से अभी कौन सी सिटी सदर्न मोस्ट सिटी बन गई है दुनिया की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टो विलियम्स। तो देखिए, इससे पहले जो सदर्न मोस्ट सिटी थी वो कौन सी थी? वो थी उशुआइया, ये थी अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना में है जो पहले थी इससे। और जो पोर्टो विलियम्स है, ये कौन से देश में है? तो ये है चिले में। और चिले की कैपिटल है सैंटियागो। और वहाँ की करेंसी है चिलियन पेसो। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ बैडमिंटन एशिया। तो बैडमिंटन एशिया का दोबारा से प्रेजिडेंट किसे इलेक्ट कर लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंटन आदित्य सुबोवो। और देखिए, जो इसके वाइस प्रेसिडेंट अभी बने थे फिर हाल ही में, उनका नाम क्या है? वो है हेमंता बिस्वा शर्मा। आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च एन ऐप टू हेल्प पीपल लोकेट योगा सेंटर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ऐप? तो आयुष मिनिस्ट्री ने अभी एक ऐप लॉन्च की है जिसकी मदद से लोग योगा सेंटर्स या फिर योगा इंस्ट्रक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इस ऐप का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, योगा लोकेटर्स। तो देखिए, जो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? श्रीपद येसो नायक। और जो आयुष की फुल फॉर्म है वो क्या है? आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व ऑन। तो जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है, ये कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 जून। जो इसकी इस बार की थीम है वो क्या है? ऑनर योर पेरेंट्स। एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाई नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फॉर द ईयर 2017-18 इज। तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2017-18 की, तो ये कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 6.1%। और देखिए, जो लास्ट 45 ईयर्स में ये सबसे ज़्यादा है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।